Hello and good morning, students. Welcome to our virtual session. So students, how are you all? I hope you all are safe and sound at home. This is Mayur Pamnani, your social science teacher. So students, as we all know that there are four parts of social science, as history, civics, geography and economics. So today we are going to begin our first part with geography session. So students, this is the cover page of our geography book, and today we are going to begin our new chapter, means chapter number 1 of geography, that resources and development. So this is very interesting and important chapter of geography. So let's begin the chapter with its continuation. So let's begin the chapter. So students, finally we are starting the chapter, resources and development, and this is a very first chapter of our geography book, and this is very interesting chapter to read. So let's begin the chapter. So before starting this chapter, we will discuss about the resources. So students, jo resources hai wo kya hota hai, first of all we will understand. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. So students, resources ka matlab kya hota hai, jo bhi kuch cheeze jo hamare environment mein available hai aur jo hamari needs ko satisfy karte hain, use hum resource bolte hain. तो ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को, हमारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हो, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, पानी. पानी हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, इस मींस कि वाटर क्या है, रिसोर्स है. फूड, फूड भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, मींस कि जब हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं. इट मींस कि इट सेटिस्फाई आवर नीड. तो ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है. इट मींस कि फूड ग्रेन्स क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है. तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, मींस एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज. तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी सारी चीजें अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती है, तो उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है, क्योंकि वाटर हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है. बिना वाटर कि हम रह नहीं सकते, विदाउट वाटर मैन कैन नॉट लिव, है ना. तो पानी हमारी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी नीड है. इट मींस कि वाटर इज अ रिसोर्स. एंड फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स भी रिसोर्सेस है, है ना. तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स. लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द रिसोर्स विद वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग. तो इस चैप्टर में हम रिसोर्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे कि रिसोर्स क्या होता है. तो रिसोर्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो और वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मींस है व्हाटएवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल. मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसे एक्सेस करने के लिए, अपने यूज में लाने के लिए. उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. इट मींस की रिसोर्सेस, जैसे रिसोर्सेस हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन हमें उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे, अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे. इट मींस कि रिसोर्सेज मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल. इट मींस कि इकोनॉमिकली फिजिबल इवन इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द मींस टू एक्सेस द रिसोर्सेज एंड इट इज इकोनॉमिकली टू एक्सपेंसिव. लाइक ओशियन वाटर, you can get so many resources from ocean, but it is very time consuming, it is not economically feasible. मतलब कहीं ना कहीं बहुत expensive हो जाएगा, है ना. it means कि एक और तरीके से हम समझ सकते हैं economically feasible का मतलब, कि जैसे आप किसी भी चीज में, जैसे gold है, अगर आप gold के extract करने में 1 crore rupees का expense कर रहे हो, तो उसके output में आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं. इट मींस कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव हुआ, आपको कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, आपकी नीड को सेटिस्फाई तो किया नहीं. इट मींस कि ये क्या इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. इट मींस कि रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए जिसका इनपुट और आउटपुट में बैलेंस हो, मींस कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, हमें अर्निंग हो ना कि हमें लॉस हो. तो इट मस्ट बी इकोनॉमिकली फिजिबल, मींस कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए. थर्ड है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल. एक्सेप्ट करना मींस कल्चरली, मतलब सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर सकें. इट शुड बी एक्सेस टू द मैनकाइंड, है ना.
तो ये क्या हो जाएगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मींस कि सभी लोग उसे स्वीकार करें, तब जाके वो एक रिसोर्स बनेगा। इफ एनीथिंग यू फाइंड इन द एनवायरमेंट इट फुलफिल्स दीज थ्री क्राइटेरिया, इट बिकम्स रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, जिन्हें हम एनवायरमेंट में जो चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है और कहीं ना कहीं इन तीनों क्राइटेरिया को वो फॉलो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। इट मींस कि अब हमारी रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मींस कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसका यूज हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। नाउ गो थ्रू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पर हम इसे समझेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ फिजिकल एनवायरमेंट मीन्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, नेचर से वो चीजें गेट करेगा नेचर से। तो जैसे फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट हो गया, जो सारे रिवर्स हो गए, हमें कहाँ से मिले, दीज आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है। अब उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ताकि उसे अपने यूज करने के लायक बनाएगा, और उसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जैसे फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश करेगा उसके लिए, ताकि। तो ये सारी चीजें जो है आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है, मीन्स की इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, नेचर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स की ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स की वो नेचर से सारी चीजें गेट करता है और उससे उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज करता है इंस्टीट्यूशंस में, है ना। तो ये चीजें आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, मींस आपस में जुड़ी हुई है, मतलब एक के बिना जो दूसरा है वो पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, इस अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेस को समझ सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इट मीन्स कि जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उनके बीच में एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, मीन्स कौन किन किन के बीच में, जैसे नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया या इंस्टीट्यूशंस हो गया, इनके बीच में आपस में एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है। Why? Because to accelerate their economic development. Accelerate मतलब होता है बढ़ाना, economic development को बढ़ाने के लिए। It means कि जो हमारी process है ये, it means कि environment में जो भी resources available हैं, human beings क्या करते हैं, उनके उनको transform करता है, और इस process में nature, technology और institution के बीच का relationship interactive होता है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, उसे इंक्रीज किया जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी तो पॉसिबल होगा। सो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम बाय मैनी? क्या आप जानते हैं कि रिसोर्सेस जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का? ऐसी धारणा कई लोगों के द्वारा की गई है या नहीं? रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेस ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग्स खुद ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेस का। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन टू रिसोर्सेस एंड यूज देम। इट मीन्स कि जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं, ह्यूमन बीइंग उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है ताकि उन्हें एक रिसोर्स बनाया जा सके और उनका यूज किया जा सके अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, द रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेस को कई तरीकों में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इस टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर रिसोर्सेस एंड द एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन प्लीज
we have to go through now the classification of the resources. So these resources can be classified in the following ways. The first is on the basis of origin. So origin ke basis pe resources ko two types se classify kiya jata hai. The first is biotic aur second is abiotic. So resources origin ke basis pe do tarah ke hote hain. Pehla hota hai biotic aur dusra hota hai abiotic. Biotic kya hota hai? Jahan par hamari life exist karti hai, means ki human beings, theek hai, jisme life hoti hai, hai na? Aur abiotic matlab non living, jisme life nahi hoti. For example, rocks ho gaya, metals ho gaya. Next aata hai on the basis of exhaustibility. So exhaustibility ke basis pe resources ke types. Exhaustibility matlab kya hota hai ki kabhi khatam ho jayenge, aisa bhi ho sakta hai kya? तो उसके बेसिस पे रिसोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है रिन्यूएबल और सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मींस कि जिसको रिन्यू किया जा सकता है, मतलब एक बार यूज करने के बाद जिसका फिर से यूज संभव है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा सोलर एंड विंड एनर्जी, है ना. नॉन रिन्यूएबल जिसका फिर से यूज संभव नहीं है, या जिसको रिसाइकल करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, वो मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल. नाउ द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब जिस पर हमारा स्वामित्व हो, जिस पर हमारा अधिकार हो. किसका किस पर अधिकार है? तो ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. इंडिविजुअल मतलब जो हमारा खुद का है, जैसे आपका घर, योर हाउस, आपका खुद का घर इंडिविजुअल. कम्युनिटी मतलब कॉलोनी का पार्क, जिस पर सबका अधिकार है, किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार होगा. कॉलोनी में जो जो लोग रहते हैं सबका राइट है, इट मीन्स की कम्युनिटी. नेशनल मीन्स टेरिटरी ऑफ कंट्री, एक देश के अंदर, ठीक है, देश की बाउंड्री के बाहर नहीं. इंटरनेशनल मतलब जिस पर सारी कंट्रीज का अधिकार होगा, इंटरनेशनल वाटर हो सकता है जैसे. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर जो रिसोर्सेस है वो चार तरह के, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. तो ये चार तरह के आपको रिसोर्सेस देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स. इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, इनके किस अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तो ये सारे हम रिसोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन का, लेकिन हम इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ओरिजिन के बेस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे. ये एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये. तो नाउ स्टूडेंट इनको हम डिटेल में आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनको कि बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है. नो सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द फिगर 1.2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड लाइक दैट. सो इन दिस चार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो स्टूडेंट्स ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना भी है, और ये चार्ट कहीं ना कहीं अगर हम बनाकर आते हैं एग्जाम में तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. तो इसलिए रिसोर्सेस को हम एक सिस्टमेटिकली डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स वॉट आर नेचुरल रिसोर्सेज? सो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर, विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू अस. तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए या नेचर ने दिए हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एंड दोज रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द ह्यूमन बींग्स, विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स. सो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं. तो जो रिसोर्सेज है उसको टू टाइप्स भी डिवाइड किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स रिन्यूएबल को और नॉन रिन्यूएबल को हम आगे डिस्कस करेंगे. वैसे तो हम जानते हैं रिन्यू करना किसी भी चीज को फिर से यूज करना, और नॉन रिन्यू मतलब क्या होता है, जिसको हम फिर से यूज नहीं कर पाए, तो वो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, जो समय जिसको काफी लंबा टाइम लग जाता है या मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं फिर से यूज करने के लिए, है ना. तो इसके बाद अगर हम देखा जाए तो रिन्यू और नॉन रिन्यू के बाद हम देखेंगे जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उसके भी टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज, फर्स्ट अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस होता है और दूसरा होता है आपका इसमें बायोलॉजिकल. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो टाइप से डिवाइड किया जाता है. अब इसके बाद अगर हम इसके फर्दर डिस्कस करें
तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट दिस एंड नाउ वी विल मूव फर्दर। अब इसमें फर्दर और डिस्कस करेंगे, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट इज रिसाइक्लेबल एंड सेकेंड इज नॉन रिसाइक्लेबल। सो रिसाइक्लेबल मीन्स क्या होता है, जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन रिसाइक्लेबल मतलब क्या हो जाएगा, जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। अब जैसे रिसाइक्लेबल मतलब मेटल्स, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स रिसाइक्लेबल है ना। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा, तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे नॉन रिसाइक्लेबल में आ जाएंगे, क्योंकि उनको रिसाइक्लेबल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। सो रिसाइक्लेबल में हमारा एग्जाम्पल जिसका आ जाता है आपका मेटल्स का, रिसाइक्लेबल है मेटल्स, जैसे रिसाइकल कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल अगर आप रिसोर्सेज देखें तो नॉन रिन्यूएबल में आपकी क्या जाएगा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नाउ अगर हम देखें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आपका कौन से है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमारा फर्स्ट टाइप आ जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप का एक आ जाएगा आपका, आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो और सेकेंड हो जाएगा हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी हमारे टू टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन ह्यूमन मेड है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी भी ह्यूमन की है ना। तो ये दोनों ही चीजें ह्यूमन मेड से रिलेटेड है, मतलब जैसे क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं हम या क्वालिटी कितनी है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। सो दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा रिसोर्सेस का डायग्राम। तो हम इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ कर बना सकते हैं, आप चाहे तो इस डायग्राम को कहीं नोट भी कर सकते हैं। सो रिसोर्सेस हमने देखा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया विद दिस डायग्राम। सो नेक्स्ट जो हम वीडियो में देखेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस की, जो रिसोर्सेस के टाइप्स हैं उसको हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेस के टाइप्स क्या है, और इसके आगे हम देखेंगे रिसोर्सेस हम लोगों के लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स।